अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जायका। आज मैं आप सबके साथ मुरमुरे के लड्डू की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये लड्डू बहुत ही मज़ेदार होते हैं और इन्हें बनाना भी बहुत आसान होता है। इन्हें बना के आप स्टोर भी करके रख सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं इन्हें बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रीडियंट्स की ज़रूरत है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे पफ राइस लिए हैं मुरमुरे 3 कप, और सेम उसी कप से मेज़र करके 1 कप गुड़ लिया है जैगरी, यानी कि जितना आप गुड़ लोगे उसका 3 गुना आपको पफ राइस मुरमुरे लेना है, ये ध्यान में रखें आप। और देसी घी लिया है 1 टीस्पून, ये ऑप्शनल है लेकिन अगर आप इस्तेमाल करते हो तो लड्डू को अच्छी शाइन देगा ये। तो चलिए सबसे पहले कढ़ाई में ऐड कर दीजिए मुरमुरे। कभी कभी मुरमुरे हल्के से नरम होते हैं तो उससे लड्डू नरम पड़ जाएंगे, इसलिए हल्का सा गर्म करके ले लें। बहुत ज़्यादा इसे जलाना नहीं है, बस हल्का सा गर्म करना है मीडियम फ्लेम पे, और इसे इस तरह से चेक कर ले। अगर ये इस तरह से क्रिस्पी हुए हैं तो ये परफेक्ट है लड्डू के लिए। इसे प्लेट में निकाल ले। प्लेट में निकालने के बाद इसे एकदम से ठंडा होने दे, और जब तक ये ठंडा हो रहा है सेम कढ़ाई में ऐड कर दीजिए गुड़, और गुड़ को मीडियम फ्लेम पर हमने इसे मेल्ट करना है। अभी घी ना डालें क्योंकि घी अभी डालेंगे ना तो ये काला पड़ जाता है गुड़। एकदम मीडियम फ्लेम पे ये एकदम अच्छे से मेल्ट हो जाए और फिर ऐड कर दीजिए घी। गुड़ को अच्छे से इसमें भून लीजिए ताकि लड्डू अच्छे से बन पाए। और ये सही से भून गया है नहीं ये जानने के लिए थोड़ा सा इससे मिक्सचर ले ले, और प्याले में थोड़ा सा पानी ले ले और इसमें डाल दे इस तरह से। अगर ये इस तरह से इसके प्याले के तले पे जाके बैठ गया है, इस तरह से हुआ है कुछ, इसका मतलब हमारे लड्डू अच्छे से इसमें बन जाएंगे। और अगर आपने पानी में डालने के बाद एकदम पानी में एकदम मिक्स हो गया है, पानी ख़राब हो गया है, तो इसका मतलब आपका मिक्सचर अभी भी भूनना बाकी है, तो थोड़ा सा और भून लीजिए। तो अब ये तैयार है, इसमें ऐड कर दीजिए मुरमुरे। अब इसे अच्छे से इसमें मिक्स करके ले लें। फ्रेंड्स, जब आप इसमें मुरमुरे ऐड करें ना गुड़ में, तो एक साथ सारे मुरमुरे ऐड कर दें, क्योंकि थोड़े थोड़े ऐड करने से ना ये अच्छे से मिक्स नहीं होते हैं। तो एक साथ सारे ऐड करें ताकि एक एक दाने पे गुड़ अच्छे से लग जाए और लड्डू बनाने में आसानी हो जाए। इन लड्डुओं का कलर जो होता है ना, वो डिपेंड करता है आपने गुड़ कौन सा यूज़ किया, लाइट कलर का, डार्क कलर का। और अगर आपको कोई कलर पसंद है, फूड कलर, तो आप गुड़ में ऐड कर दो। अब ये तैयार है, इसे नीचे उतार लेते हैं। एक प्लेट ली है, इसमें मैं लड्डू बना के डाल दूँगी, और एक प्याले में यहाँ पर ठंडा पानी लिया है ताकि हाथ ना जले। इस तरह से मैं पानी लगाऊँगी हाथों पर, और ये मिक्सचर गर्म है ना तो हाथ जलेंगे, इसलिए मैंने ठंडा पानी लिया है। और अपने पसंद के हिसाब से इसके लड्डू बना दो, छोटे या बड़े, जैसी भी आपको पसंद है इस तरह से। और इसमें रखती जाऊंगी मैं, बिल्कुल इसी तरह से हमें सारे लड्डू बनाने हैं। बस ध्यान रखें कि मिक्सचर कम्प्लीटली ठंडा ना होने पाए, क्योंकि गुड़ सख्त हो जाता है ठंडे होने के बाद, और अगर ऐसा हो भी जाता है तो थोड़ा सा गर्म करके ले ले। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे सारे लड्डू बनके तैयार हैं। इन लड्डुओं को गर्मा गर्म सर्व ना करें, थोड़ा सा इन्हें ठंडा होने दें, क्योंकि हमने गुड़ इस्तेमाल किया है ना, तो गुड़ की वजह से थोड़े से ये लड्डू सख्त हो जाएंगे और फिर खाने में मज़ा आ जाएगा। और अगर आप इन्हें स्टोर करना चाहते हो तो किसी भी एयर टाइट कंटेनर में इस तरह से स्टोर करें जिसमें भी इन्हें हवा ना लगे, और 1 वीक या फिर 10 से 12 दिन आप इन्हें इंजॉय कर सकते हो। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी हो, तो एक लाइक करे बिना ना जाना यहाँ से। और जायका पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। मैं इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।